हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोटेड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे जो है अप्रेंटिस के लिए सीटें निकाली गई है। यदि दोस्तों आपने आईटीआई की भी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसमें कौन कौन सी सीटें हैं अलग अलग ट्रेड की और किस तरह से आप इसका फॉर्म को फिल कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए, वह इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इन्फोटेड यूट्यूब चैनल को आप जो है एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर जो है काफ़ी सारी टेक्निकल वीडियो अभी तक अपलोड की जा चुकी है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक वाइज, न्यूमेरिकल वाइज। तो आप चैनल में जाएंगे तो काफ़ी सारी आपको जो है आईटीआई से रिलेटेड बहुत सी वीडियो मिल जाएगी। जिस तरह की एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप पर जो है हमने काफ़ी वीडियो अभी तक बनाए दी है। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चे जो हमारे फ्रेशर बच्चे हैं आईटीआई जो कर रहे हैं या जिन्होंने अभी कंप्लीट उनकी हो गई है, तो वह इस वीडियो को देखेंगे तो अपना अप्रेंटिस के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी कमेंट आए थे कि सर कोई अप्रेंटिस के लिए हमें फॉर्म बताएं कि कहाँ पर किस तरह के अप्रेंटिस के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं, तो वो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये वेबसाइट है दोस्तों, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं DLW.IndianRailway.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो यहीं पे आपको जो है जाना है। ठीक है, जैसे आप इस पे वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक पर नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है न्यूज़ पे जो है यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे ऊपर वाला जो है लिखा है लिंक फॉर 52 बैच एक्ट अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म, आपको इस पर केवल क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर आपके सामने सेकेंड जो है विंडो खुल जाएगी इस टाइप से। तो आपको यहाँ पर जो है ये HTTPS जो करके लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप सीधा इसके जो है फॉर्म पर, जहाँ से फॉर्म आपको फिल करना है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद मैं आपको इसकी PDF फाइल बताता हूँ। PDF फाइल के बारे में आप सबसे पहले डिटेल में बताता हूँ कि PDF फाइल में इसके क्या कह दिया। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली PDF फाइल को पूरा रीड कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, भारत सरकार डीजल रेलवे इंजन कारखाना वाराणसी, 42 बैच चल रहा है यहाँ पर आईटीआई और नॉन आईटीआई का। तो ये इसकी स्टार्टिंग डेट जो है 8/10/2018 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है इसकी 9/11/2018 की है। ठीक है, लास्ट डेट से पहले ही आपको ये फॉर्म फिल करना है और लास्ट डेट की जो टाइमिंग दे रखा है यहाँ पे 4:45 तक का टाइम है इसका फॉर्म भरने का। तो यहाँ पर जो है पोस्ट जो है अलग अलग ट्रेड की, वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड देखें, फिटर में जो SC ST OBC और सामान्य यानी कि जनरल के जो स्टूडेंट हैं उनकी 107 जो है सीटें निकाली हैं। कारपेंटर की 3 निकाली है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रिंटर की जो है, पेंटर की 7 निकाली है और मशीनिस्ट की 67 है, वेल्डर की 45 है और इलेक्ट्रिशियन की 71 है। ये सभी जो है कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग डिवाइड की गई है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर नॉन आईटीआई के जो है वहाँ पे भी दी गई है कि नॉन आईटीआई हैं तो आप तब भी जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने आईटीआई नहीं करी है तो ये आईटीआई भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 74 निकाली गई है। इसके बाद जो है इसकी जो ये एक्ट दिया हुआ है जो भी अप्रेंटिस का होता है, तो मैं आपको जो है इसकी इसके जो ज़रूरी चीज़ है वही इस वीडियो बताऊंगा। बिल्कुल सीधे हिंदी में दी गई है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें जो सबसे पहले आप इसके PDF फाइल के नीचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली हाई स्कूल समक्ष में जो है 50% उससे अधिक अंक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है 10th में जो है 50% मिनिमम जो है मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है सूचना जारी होने की तिथि जो है 8/10/2018 से पहले अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10th आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए। आईटीआई सीटों के लिए जो है मैट्रिकुलेशन 10+2 हाई स्कूल 50% होना चाहिए। ठीक है, ये सब आप पूरा पूरा पढ़ें तो ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। आप इसकी जो है आयु सीमा भी देख सकते हैं, आयु सीमा की जो दी गई है इसमें 15 वर्ष की पूरी आयु कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, जो भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर और भी डिटेल दी गई है। वेल्डर कारपेंटर अभ्यर्थियों के लिए 15 से 22 वर्ष दी गई है। ठीक है, आईटीआई सीटों के लिए, और आप नीचे जाएंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पर जो आयु सीमा दी गई है, जो भी छूट दी जाएगी उसके लिए अनुसार गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अनुसार यहाँ पर दी जाएगी, आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है हमारे कैंडिडेट दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी जो है पूरा जो गवर्नमेंट रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग पूरी जो है फिटनेस, शारीरिक फिटनेस दी गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चयन का आधार देख सकते हैं आप। चयन का आधार जो है 50% जो है आपके जो न्यूनतम मार्क्स मेरिट के अनुसार ही जो है आपका विचार किया जाएगा। और बाकी जो है यदि यहाँ पर देखें दूसरे पॉइंट में लिखा गया कि दो उम्मीदवार के यदि समान अंक होते हैं तो उसकी आयु जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसी से जो है वैधता दी जाएगी, और जन्मतिथि भी यदि बराबर होती है तो उसकी जो हाई स्कूल मैट्रिक जो है वो जिस बच्चे ने पहले की होगी उसको दी जाएगी। ठीक है, तो यही सिंपल सिंपल डिटेल है। तो मैं आपको जो है
इसके जो है ऑनलाइन आवेदन का शुल्क जो है वो देखो यहाँ पे लिखा है कि 100 रुपये जो है आवेदन का शुल्क है, ठीक है। आप जो है किसी भी तरह से बैंक ड्राफ्ट या फिर किसी भी राष्ट्रीयकृत जो बैंक है हमारे वहाँ से आप ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरा दिया गया है ऑनलाइन जारी रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर वगैरह अवश्य जो है ये यहाँ पे पूरा डिटेल में दी गई है, आप इसको पूरा पढ़े। इसका जो है पूरा का पूरा एड्रेस दिया गया, वाराणसी पिन कोड भी दिया गया है, ठीक है। और आवेदन शुल्क जो है भेजने जाने वाले लिफाफे के ऊपर जो अप्रेंटिस एक्ट 2018 अवश्य इंगित करना है करें, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना है। और यहाँ पे जो आवेदन की शुल्क जो 100 रुपये आपसे चार्ज लिए जाएंगे उसका आपको जो है वो वापस रिटर्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा देखना है। और यहाँ पे लिखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग महिलाओं के लिए शुल्क आवेदन शुल्क अपेक्षित नहीं है, ठीक है। अर्थात कोई फीस का भुगतान नहीं लिया जाएगा जो एस सी एस टी कैंडिडेट दिव्यांग है, ठीक है। ऑनलाइन की जो आवेदन तिथि है वो 9/11/2018 की है। ये 16:45 दिए गए, इसका मतलब होता है 4:45 तक भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 9/11 में, ठीक है। तो यहाँ पे आवश्यक सूचना इसको पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके जो है टर्म्स एंड कंडीशन पूरी लिखी गई है, किस तरह से जो आपको इमेज अपलोड करनी है, क्या उसका साइज़ है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी पूरी डिटेल आप पूरे चेक करें। मैं सीधा आपको जो है ले चलता हूँ दोस्तों इसके जो फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट जैसे आप जाएंगे यहाँ पर, यहाँ तक हम पहले आ चुके थे, तो आपको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ पर आपको क्लिक करना होगा। बाकी आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं 52 जो है बैच चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन की डेट दी गई कब से स्टार्ट हुआ और कब की अंतिम तिथि है। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल भरनी है और अपनी डिटेल जो दोस्तों सही सही भरें। तो यहाँ पर आवेदन का जो प्रकार है आप किस प्रकार में देना चाहते हैं, ITI में देना चाहते हैं, नॉन ITI में। तो आप ये ITI में देना चाहते हैं तो ITI आपको क्लिक करना होगा। बाकी आपको यहाँ पर ITI की आपकी ट्रेड सेलेक्ट करनी होगी, जो भी पोस्ट के अनुसार जो यहाँ पर निकाली गई सीटें। तो आप यहाँ फिटर हैं तो फिटर को आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी का नाम है, फिर फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जेंडर है, आप मेल है फीमेल है, जो भी है आप यहाँ पर भर सकते हैं, या ट्रांसजेंडर है। ये तीनों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको कम्युनिटी में लिखना है, जो भी आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, OBC ST, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिख करना होगा। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस करना होगा, नो है तो आपको नो करना होगा, ठीक है। तो हम सिंपली भर देते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर दिव्यांग है तो आपको यस करना, नहीं है तो नो करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको जो है डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ आप सही डालें, यहाँ चेक करने का भी ऑप्शन दिया गया है। और बाकी आप मोबाइल नंबर डालें, ईमेल एड्रेस डालें, और यहाँ पे फिर पुनः ईमेल एड्रेस डालें, और यहाँ परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, और जो भी आपको मार्क है, जो भी आपका बॉडी पर या फेस पर कोई भी आपका कट मार्क हो या कोई मोल का चिन्ह हो, ठीक है, जिसे हम तिल बोलते हैं, उसको आपको यहाँ पर ज़रूर डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टार बनना है, तो ये मैंडेटरी है, इनको आपको ज़रूर फिल करना है जहाँ भी स्टार बनना है। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी जो इंडियन ऑटोमेटिक सिलेक्ट आ रहा है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको जो 10th की क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ सिंपल भरना है। आप जो भी 10th जहाँ से भी आप जो है फॉर्म आपने 10th क्वालिफाइड किया, आपको वहाँ पर जो है वो लिखना है। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं तो उत्तराखंड बोर्ड सेलेक्ट करना है। बाकी आपकी उत्तीर्ण जो आपने कब की है वो आपको यहाँ सिंपल डालना है। अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर जो है यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो है बोर्ड सिस्टम है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। ग्रेड सिस्टम था या नहीं था, तो यहाँ पर आपको ग्रेड सिस्टम यदि आपके उसमें है तो आपको ग्रेड यस करना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। यदि आप नो कर देते हैं तो आपको यहाँ पर नो भरना होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे आप इसको नो करते हैं तो आपके सामने जो है टोटल मार्क्स आ जाएगा, जो भी आपके जो 10th में मार्क्स से टोटल मार्क्स लिखना, और यहाँ पे ओबिडेंट मार्क्स लिखना, आपने कितने प्राप्त अंक किए हैं। बाकी आपकी यहाँ जो प्रतिशत निकल जाएगी, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे 600 भर देते हैं और आपके जो है 350 जो है मार्क्स थे, तो आप यहाँ पर 350 लिखेंगे, ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिक परसेंटेज जो है कलेक्ट होकर आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको सिंपल इसी तरह से फॉर्म भरना है। यदि आपका ग्रेड सिस्टम था तो आपको ग्रेड सिस्टम पे यस करना है, क्योंकि ग्रेड सिस्टम भी चल रहा है। इसके बाद CGPA जो भी होता है आपको यहाँ पे वो भरना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकेंड विंडो खुलेगी, जिसमें आपको जो है अपनी जो इमेज वगैरह जो भी इसमें मांगी है वो आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से इसका फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। और कोई भी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो फॉर्म भरने में या इस अप्रेंटिस की जो पोस्ट है उससे रिलेटेड आप कुछ को कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके जो है ज़रूर पूछें, ठीक है। और इसका जो लिंक दोस्तों PDF फाइल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपको वहाँ पर जाकर अपने मोबाइल से भी फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है। और पीडीएफ फाइल को दोस्तों पूरा पढ़ें, मैंने आपको पूरी नहीं बताई है क्योंकि वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी लंबी आती है, जिनमें मैं पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल पढ़ता हूँ एक एक करके, और आप भी बोर हो जाओगे। तो इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जो भी कोई आपको डाउट लग रहा हो किसी भी लाइन पर, किसी भी बात पर, तो आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में यदि आप पूछेंगे तो मैं आपको उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, यहाँ पर जो भारत सरकार डीजल रेल इंजन कारखाना जो वाराणसी में है, वहाँ पे 42 जो बैच है अप्रेंटिस का, उसके लिए जो है सीटें निकाली गई हैं, ठीक है। और जो इसकी ऑनलाइन की जो डेट स्टार्ट है वो 9/11/2018 तक है लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे 8/10 से जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो 9/11 की लास्ट डेट है और शाम के 4:45 के आसपास इसकी लास्ट डेट होगी। तो यही आपको देखना है, आपको अपने ट्रेड के अनुसार जी चयन करें, ठीक है। और फिटर, कारपेंटर, पेंटर और यहाँ पे मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन की जो है काफ़ी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो यही है दोस्तों। और अजय दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी बच्चे ITI कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें मौका मिलेगा यहाँ पर अप्रेंटिस करने का रेलवे में। तो इस वीडियो में दोस्तों यही था, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।